लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए सोमवार को सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में सीडीओ अनुज कुमार सिंह ने मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों की ट्रेनिंग दिया। मतगणना 23 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान अनुज कुमार सिंह मतगणना अधिकारियों को वीवीपैट मशीन और पोस्टल बैलेट को सावधानीपूर्वक गणना के लिए जरूरी जानकारी दी। सभी मतगणना अधिकारियों को सुबह 6:30 बजे तक मतगणना स्थल पर पहुँचने के लिए निर्देश दिए गए और कल देर रात तक किसी भी पोल पे किसी भी मतदान केंद्र पे कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि वहाँ रिपोल हो। हर जगह शांतिपूर्ण सारी चुनाव को अच्छे से संपन्न किया गया और वोटिंग परसेंटेज में भी वृद्धि देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। आज आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी कल ही शाम को रात को आपने अपना कार्य संपन्न किया और आज आपको फिर से ये वोटिंग की ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया, जबकि आपको वादा किया गया था कि एक दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन देखिए, ऐसा है कि इस तरीके के वादे तो होते रहते हैं। तो हमारे पास देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि दो ट्रेनिंग होना बड़ा कंपलसरी है, तो अगर हम आपको 21 और 22 को बुलाते तो वो अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए आज 20 तारीख को हमने आपको बुलाया, अगला फिर 22 तारीख को बुलाएंगे। ये जो मशीन है जिसमें आपको पहले सत्र में चुनाव कराने के समय में आपको हम 40 मिनट बताते हैं, आज हम आपको बोलते हैं सबसे पहले तो समय से पहुंचना, क्योंकि काउंटिंग का जो समय होता है वो बड़ा सैक्रोसेंट होता है। जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट आप कहीं मॉक पोल स्टार्ट हो गए हैं, आप 10 मिनट लेट से पहुंच गए, 15 मिनट सैक्रोसेंट है। 8 बजे का मतलब है 8 बजे पोस्टल बैलेट का जो डब्बा है वो खुल जाना चाहिए और उसके जो मध्य है वो टेबल पे गिर जाने। उस केस में आज जो स्क्रूटनी चल रही है, स्क्रूटनी के उपरांत चुनाव आयोग को हम लेके भेजते हैं कि साहब फला फला बूथ समझाने वहाँ पे, उस केस में आपके पास वो सील नहीं आएगा, उस केस में आपके पास वो वीवीपैट आएगा। एक बार वीवीपैट आया तो वीवीपैट की गिनती की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। वो वैसे सब लोग बैंक वगैरह जाते रहते होंगे, जिस तरीके से बैंक में एक अच्छे जाली नुमा बना रहता है कि कोई पर्ची कोई दूसरे साइड से लेना ले या कोई कागज ना ले ले, उस तरीके का बना रहेगा, वहाँ पे इसकी गिनती की जाएगी। उसके लिए अलग ट्रे मिलेगा, एक ट्रे में निकालते हैं, फिर दूसरा एक पिजन होल ट्रे कहते हैं, जिसमें अलग अलग कैंडिडेट के ऐसे खांचे बने रहते हैं। उसमें उनके आरोप आपको ये कह दिए कि नहीं, मुझे तो इस पर भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यूनियन ने वहाँ पे इतने वोट निकाले कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये मशीन तो स्ट्रॉन्ग रूम में गया है, आपके लोग भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे, तो ये गलत होने की इसकी संभावना कम है। फिर भी मान लीजिए कि वो ऑर्डर तो वो उसमें लिखेंगे कि नहीं साहब इसका जो हमें मिला आवेदन पर और फॉर्मेट वगैरह दिखा दीजिए, इस पर वो आवेदन करेंगे और आरओ साहब उस पर अपना डिसीजन लेंगे, उनको उनको सुनवाई का अवसर देंगे दोनों पक्षों को, और उसके बाद वो उस पर अपना डिसीजन पारित करेंगे कि नहीं साहब इनको मैंने सुना, इनका जो वीवीपैट जोड़ने का जो इनका आग्रह है वो अच्छा है, वो सही नहीं है, और क्योंकि बाद में 5 वीवीपैट पुनः वैसे ही जोड़ा जाना है तो इसलिए इनका जो आग्रह है वो ठुकराया जाता है। या तो ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, इनका जो आग्रह है वो जेन्युइन है, मैं इनका आग्रह स्वीकार करता हूँ, उसके बाद वहाँ पर वीवीपैट की गिनती होगी। तो ये 2-3 ऐसे केसेस है जहाँ पे वीवीपैट की गिनती हो सकती है। हो सकता है कि आपके इस मशीन में आपने ऑन किया और इस पर डिस्प्ले पे कुछ आ ही नहीं रहा, कई बार होता है, अगर आप लोगों में से कई लोगों ने गिनती करा तो अगर नहीं आ रहा था, उसके 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो इसकी बैटरी मर गई होगी, खत्म हो गई होगी, तो उस केस में बैटरी बदल के दे सकते हैं, उसमें बैटरी बदलने की अनुमति होती है, चुनाव के टाइम नहीं होती, काउंटिंग के टाइम में बैटरी बदलने की अनुमति होती है। तो आपने उसमें बैटरी बदल लिया, बैटरी बदल के उसके बाद फिर से चेक कर लिया कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर ऑन हो गया तो ठीक, अगर ऑन नहीं हुआ तो फिर से इसमें वीवीपैट को गिनेंगे, ठीक है। तो ये लेकिन मान लीजिए कि वीवीपैट को अभी मैं 2 शब्दों में बोल देता हूँ कि वीवीपैट गिनेंगे, लेकिन जब आप गिनना शुरू करेंगे तो उसमें 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक वीवीपैट को गिनने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, तो ये मान के चलिए कि अगर आपने एक वीवीपैट पे आप मान के गिनना है तो इसका मतलब है कि आप 2 घंटे लेट से जाएंगे, ठीक है। तो जो काम इसमें 1 मिनट में होता है, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, वो वीवीपैट में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो ये जहां जहां पे सीआरसी नहीं हुए तो आप लोग को वो भुगतना पड़ेगा उसका खामियाजा। तो ये आपका वीवीपैट की कंडीशन है, जहां पे सीओ गिना जाएगा, जहां पे वीवीपैट गिना जाएगा आपको।